ये लड़की के साथ छोटा सा प्रैंक करे क्या? कैसा प्रैंक? इधर देखो स्क्रैच है सर, ये मेरे तरफ से तो नहीं हुआ होगा सर। ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बैठे तो अब भी हो आप बाइक पे। मुझे मालूम है ये इतना पार्ट 1.5 लाख रुपए का आता है कावासाकी का, 10 आर का। मैं क्या बोलूं आपको, I'm so sorry, I'm really really sorry। ये पहले से ही लगा हुआ है स्क्रैच। आप रोना मत, आप तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग, आई होप ठीक ही होंगे। मैं हूं आपका स्वैग और ये अपनी जेडएक्शन आर 2022। आज है सैटरडे और हम लोग निकले थोड़े बहुत रिएक्शन कलेक्ट करने के लिए, ऐसे ही पब्लिक ऑब्जर्वेशन जेडएक्शन आर का करने के लिए। सो देखते कैसे रिएक्शंस मिलते हैं। हमारे साथ आज है नवनीत जो कि पीछे बैठा है हमेशा की तरह, जान को हथेली में रख के, क्योंकि मेरा चलाना तो आप लोग को मालूम ही है कैसा रहता है। पीछे देख के पीछे देख के हंस रहा है वो लड़का, काफी टाइम से देख रहा था वो। थैंक यू ब्रो। यंग राइडर 6333। सिग्नल पे खड़े खड़े भी अपने को, हाँ अंधेरी अंधेरी से अंधेरी, हाँ 20 लाख 20 लाख्स। साउंड आ रहा है यार बाइक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक। थोड़े बहुत रिएक्शन आज हम लोग ने कलेक्ट कर लिए, थोड़ा और घूमेंगे, थोड़ा चाय पानी का ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे अग्रवाल्स में। थोड़े बहुत रिएक्शंस कैप्चर किया, इसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट भी जाने वाले हैं मार्केट रिएक्शंस कलेक्ट करने के लिए। एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग लेंगे ब्रेक, कुछ पानी वानी पी लेते हैं और फिर चलते हैं आप लोग के लिए मार्केट रिएक्शन बनाने। मिलते हैं आप लोग को डायरेक्ट मार्केट के वहाँ पे। काफी क्यूट है, स्माइल भी दिया ही है लड़की ने, वैसे तो बाइक को देख रही है। हाँ चलो चलते
पानी वानी ले लेते। हो गया तुम्हारा पानी पानी पीना वगैरह निकले भाई फोटो दे। हाँ ओ भाई वो लड़की तो फोटो वोटो निकाल रही है भाई, देखना उसको मालूम नहीं हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो फोटो तो विदाउट परमिशन थोड़ा फ़ोटो लेना ठीक है, मतलब फ़ोटो ले रही है उसमें कुछ ये नहीं है, बट विदाउट परमिशन थोड़ा दर्द होता है, डर लगता है कि बाइक गिरे विरे ना, बस यही डर है और कुछ तो डर नहीं, बाकी लड़की तो क्यूट है ही है, उसको दिख गया है हम लोग और तुरंत बाइक से उतर चुकी है एक सेकेंड में, और फ़ोटो वोटो ले लिया, अभी भी बाइक के पास ही है वो, देख सकते हो आप लोग, उसको पता चल गया, काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हुई लगता है उसको, बिना पूछे बैठ गई इसकी वजह से, बट कोई बात नहीं ले लिया है फ़ोटो तो ठीक ही है, मतलब सो हम लोग अभी निकलते। नोनी भाई एक आइडिया आया दिमाग में, ये लड़की के साथ छोटा सा प्रैंक करे क्या, इधर देखो स्क्रैच है उस पर नाम डाल देते, देखते उसका रिएक्शन क्या आता है, बहुत हरामी दिमाग हो गया ना मेरा यूट्यूबर बनने बाद क्या बोलते हो सकते? देखो स्क्रैच है, देखो गाइस आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच है, तो ये लड़की के साथ हम लोग करते छोटा सा प्रैंक कि आपने स्क्रैच मारा है, वैसे भी बिना पूछे बैठी थी बाइक पे तो थोड़ा बहुत तो हम लोग मज़ा ले ही सकते, क्या बोलते हो नोनीत भाई, और को बुलाते हो उसको, थोड़ा प्रिपेयर होने दो भाई मेरे को, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, एक्सक्यूज मी सुनिए एक मिनट आ सकते हो, हाँ आप ही बैठे थे ना अभी बाइक पे, हाँ। आपने स्क्रैच मार दिया मैम बाइक पे, नहीं एक्चुअली मैं सिर्फ फोटो ले रही थी, नहीं मैम आपने स्क्रैच मारा देख सकते हो आप कैमरे पे भी रिकॉर्ड हुआ, आपने आप ही बैठे थे ना अभी बाइक पे तो आप ही बैठे थे, हाँ बहुत पसंद है इसलिए, वो बात सही है लेकिन अभी इस पे स्क्रैच लग गया ना मैम ऐसा है, तो आप चाहिए तो मेरे को ये पार्ट का पैसा दे दो, ये 1.5 लाख का पार्ट है इतना टैंक इसका भाई, अभी आप मैम ही बैठे थे ना बाइक पे, हाँ। तो इधर स्क्रैच लग गया भाई, तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर बैठ के फोटो मैं ही खींच रहा था, हाँ मैंने देखा भाई मैं उधर ही था बाजू में ही था मैं, हम लोग पानी पीने गए थे हम लोग ने देखा, लेकिन भाई स्क्रैच लगा, आपको तो मालूम आप लड़के हो तो सुपर बाइक का पार्ट का प्राइस मालूम ही रहेगा आपको महंगा, ये 1.5 लाख का पार्ट है, नहीं भाई लेकिन स्क्रैच तो लग गया ना, फोटो फोटो लेने में कोई बुरा नहीं, मैं फोटो लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपने पूछा भी नहीं फोटो लेने से पहले और स्क्रैच भी मार दिया मैम ने, शायद नेल्स की वजह से लग सकता है मेरे हिसाब से, यार अंगूठिया भी है ना हाथ में, बट एक्चुअली ये हाथ मेरा ये देख सकते हो आप लोग स्क्रैच भी बहुत बड़ा स्क्रैच है और ये जाएगा नहीं इतना से, और डार्क भी है ना काफी है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बैठे तो अब भी हो आप बाइक पे, इसके पहले तो स्क्रैच है नहीं, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ चाहिए तो आपको, क्योंकि मैं अभी लॉक करते हुए आया हूँ यहाँ से, ऐसा नहीं होता ना मैम, लेकिन आप मेरे को चाहिए तो भर के दे दो इसका जो भी प्राइस रहेगा कावासाकी वाले को, मुझे मालूम है ये इतना पार्ट 1.5 लाख रुपए का आता है कावासाकी का 10R का, आप इतना मेरे को भर के दे दो, आप आधा आधा करके दे सकते हो 75-75 कर लो, क्योंकि ये सब क्योंकि क्या रहता है ये सब नहीं हो सकता ना इतना, ये बहुत महंगा आता है ये सब पार्ट्स, आप समझ सकते हो, मैं मेरे को भी मतलब बुरा लग रहा है बट ये ऐसा नहीं हो सकता ना, मेरा भी नया ही बाइक है मतलब 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी, सो आप समझ सकते हो, आप बुला सकते हो आपके पापा या भाई को बुला सकते हो आप कॉल करिए आप बुलाइए, मुझे ये भर के चाहिए बस, केयर की बात नहीं लेकिन स्क्रैच तो लग गया ना मैम, बात वो हो जाता है, आप समझ सकते हो आपको भी बाइक्स पसंद है तो दिल में ये स्क्रैच है दिल में लगा है अभी ऐसा हो गया बाइक पे नहीं लगा है, आपको चाहिए तो कावासाकी को मैं फोन लगा के देता हूँ, आप इतना पार्ट का प्राइस पूछ लो, मेरे हिसाब से ये 1.5 लाख का पार्ट है इतना, नहीं सर एक्चुअली मेरी से मैं क्या बोलूँ आपको, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, क्या करना है नानी भाई, बस कर दे प्रैंक, बस कर दे क्या प्रैंक, बस कर दे, रो देगी अरे नहीं रोएगी नहीं, अरे आप रो मत, हम लोग आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे ये पहले से ही लगा हुआ है स्क्रैच, आप रोना मत आप तो
सॉरी सॉरी, एक छोटा सा प्रैंक किया आपके साथ, सो सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? मुझे बाइक बहुत नहीं, ये पहले से ही स्क्रैच, एक्चुअली इस पे ना फुल पीपीएफ किया हुआ है तो स्क्रैच पहले से है। भाई आप तो डरे तो नहीं ना? अरे नहीं भाई, क्या भेजने वाले मेरे को? दू क्या गूगल पे नंबर दू क्या आपको? सॉरी अगर आप डरे तो नहीं, आप रोने वाले थे लग रहा है मेरे को ऐसा। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, पीपीएफ ये निकल जाएगा, अगला लग जाएगा, खत्म है ये, आप रोना मत बस। मस्ती कर रहे थे, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं शूट भी कर रहा था, व्लॉग चालू है मेरा, मैं डाल सकता हूँ ना यूट्यूब पे? मुझे आपकी बाइक बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई है। डेफिनेटली आप ले सकते हो, और पिक्स लेने तो आप कर ले, अभी अभी नहीं चाहिए पिक्स मेरे को बोले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही लगा हो, इसका कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसका कुछ। आपका नाम? मोनिका। मोनिका ओके। आपका भाई? विग्नेश। ओके, आपका इंस्टा आईडी मिल सकता है? यस, बट आप कंप्लेंट तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कंप्लेंट नहीं करेंगे। ये लीजिए, चलो भाई इंस्टा आईडी भी, मुझे तो लगा मार पड़ेगी लेकिन इंस्टा आईडी मिल गया। चलो कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल जाती है, चलेगा चलेगा चलेगा। चलो सच में नाइस लगा क्या मीट? एक्सपेक्टेड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलेगा चलो बाय बाय। चलो चलो निकलते, लड़की काफ़ी डर चुकी थी, मुझे तो लगा था रोई देगी भाई। नवनीत बोला बस कर बे, रोएगी अभी वो। काफ़ी डर गई, ये स्क्रैच पहले से था बाइक पे, हम लोग ने बस छोटा सा मजाक किया उसके साथ। लड़की भी काफ़ी क्यूट है, आप लोग देख सकते हो।